हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश दी बैडू। आज के वीडियो में मैं आपको जो अभी अभी हाल ही में यूटेट का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 2019 का, और उसकी यूटेट फर्स्ट की जो आंसर की है आपने विभिन्न यूट्यूब चैनल में देख ली होगी, और साथ ही हमने भी यूट्यूब में बनाई थी आंसर्स की कुछ विषयों की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूटेट का जो पहला पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा बवाल बन सकता है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो पूछे गए आंसर्स दिए थे वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग थे, आपस में अंतर विरोध पैदा करने वाले थे। तो अब मैं आपको पूरी वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूटेट के पेपर फर्स्ट में जो आए थे, और उनमें जो नंबर हैं वो सभी को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके अगर आंसर ही गलत हैं तो उसके जो नंबर हैं वो जो मार्क्स हैं, चाहे आपने अटैम्प्ट किया हो या नहीं किया हो या गलत किया हो, तो वो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको इक्वली कर दिया जाएगा, सभी को नंबर वो दे दिए जाएंगे। तो चार क्वेश्चंस कौन से हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो अगर आपका कुछ अदर ओपिनियन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन में कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है या कौन सा क्वेश्चन ही गलत है। तो उसके साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा हर क्वेश्चन का। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक इंग्लिश चैनल है जिसमें अंग्रेजी का मोस्टली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश का ही है। इसके साथ हमने जो सारे जो टॉपिक्स होते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के, वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। वीडियोज आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही उसके जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और मैं ये चाहूँगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसके एक्टिव सब्सक्राइबर बने, ना कि पैसिव सब्सक्राइबर, क्योंकि एक्टिव सब्सक्राइबर ही सही रहते हैं। एक्टिव सब्सक्राइबर बनिए, जो भी हम डालते हैं वो देखिए, क्योंकि नॉलेजेबल थिंग डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बकवास या गॉसिप हम डाल रहे हैं। तो आप इनमें बने रहिए, तो देखते हैं। चलिए अब लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन, जैसे तो ये मैं पेपर जो टेट का था, यूटेट का जो फर्स्ट पेपर था प्राथमिक विद्यालय के लिए जो भरा जाता है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 16 जो था, हो सकता है ये क्रम चेंज हो, ये चाइल्ड पेडागॉजी में था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक क्वेश्चन उसमें ऐसा आया था जो इसमें 16 है। ये पेपर सी के अकॉर्डिंग है, जो सेट सी जो सेट होता है उसके हिसाब से का है, लेकिन ये सब में दिया होगा ये क्वेश्चन। आप चेक कर लीजिएगा कि क्या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टी ए टी के बारे में दिया रखा है। तो टी ए टी हेतु कितने कार्ड होते हैं, तो ऑप्शन थे 10, 20, 30 और 40। तो इसके आंसर्स किसी ने 20 किए होंगे, किसी ने 30 किए होंगे। तो 20 और 30 सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट थे, लेकिन यहाँ पर एक विरोध पैदा होता है कि 20 है या 30 है, या कई लोगों ने 31 पढ़ा होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो वहाँ पर टेट का थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कार्ड आता है। अब ये होता क्या है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखिए द कंप्लीट वर्जन ऑफ द टेट, जो कंप्लीट वर्जन है टेट का, इंक्लूड 31 पिक्चर कार्ड। तो उसमें कितने कार्ड हुए, 31 पिक्चर कार्ड कह रहा है। देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट वर्जन ऑफ द टेट, तो ये इंक्लूड करता है 31 पिक्चर कार्ड होते हैं, डिपेक्टिंग अ वराइटी ऑफ एम्बिगुअस एंड ऑफ चिल्ड्रन। तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एम्बिगुअस सोशल सीन्स, मतलब अलग अलग प्रकार के सोशल सीन्स होते हैं, दैट में इंक्लूड मैन और वुमेन, जिसमें मैन और वुमेन या बच्चों के चित्र हो सकते हैं। ओके ठीक है, मूरे ओरिजिनली, और जो मूरे हैं ओरिजिनली रिकमेंड, वो रिकमेंड करते हैं यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 20 कार्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि कंप्लीट जो वर्जन होता है टी ए टी का, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कार्ड का, उसमें तो 31 होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि मूरे जो हैं, मूरे ने ओरिजिनली रिकमेंड किया है यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 20 कार्ड्स कह रखा है, एंड सेलेक्टिंग दोज दैट डिपिक्टेड कैरेक्टर सिमिलर टू द सब्जेक्ट। तो उसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का एपरसेप्शन टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के माइंड को पढ़ने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार का एटीट्यूड है, क्या सोचता है, क्या थिंकिंग रखता है। इसके लिए उसे 31 कार्ड जो होते हैं टेट में, एक में होते हैं, और जब एक मोरे जो रिकमेंड करते हैं वो 20 कार्ड का यूज करते हैं, जिसमें किसी मनुष्य का चित्र हो सकता है, और औरत का चित्र हो सकता है, बच्चों का चित्र हो सकता है, और एक रिलेशन टाइप में दिखाते हुए उसमें बच्चे की माइंड को रीड करने की कोशिश की जाती है। तो अब यहाँ पर
आप देख लीजिए, 31 भी है और 20 भी है। तो अब इसमें से अगर 31 कहते हैं, तो अगर आप इसमें और डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 वैसे होते हैं और एक एक जो कार्ड होता है वो ब्लैक कार्ड होता है। 31 में 30 तो पिक्चर्स वाले होते हैं और एक ब्लैक कार्ड होता है। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है, तो तीन ऑप्शन क्रिएट होते हैं, 31, 30 और 20। 20 तो मूरे के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें अगर क्वेश्चन में बहुत से क्लेम कर सकते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है, तो हो सकता है कि इसका एक नंबर आप सभी को दे दिया जाएगा, सभी को इसका एक नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे आपने करा हो, नहीं करा हो या गलत किया हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चाइल्ड पैडगॉजी से ही था, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में ही था। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसने दिया? तो अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसने दिया है, तो इसमें अगर आप नाम पढ़ेंगे, विक्टर ह्यूम, मास्लो, आरएस वुडवर्थ और स्किनर। तो अब यहाँ देखते हैं, अगर आप नेट में सर्च मारते हैं गूगल में, तो यहाँ पर आता है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द 1940। तो ये जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो थी मोटिवेशन की, ये 1940 के दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई थी, और 1950 के दौरान एज अ वे टू एक्सप्लेन बिहेवियर, जिसका यूज किया जाता है एक्सप्लेन बिहेवियर लर्निंग एंड मोटिवेशन के लिए यूज करता है। द थ्योरी वॉज क्रिएटेड बाय बिहेवियरिस्ट। तो जो थ्योरी क्रिएट की गई थी वो बिहेवियरिस्ट, मतलब व्यवहारवादी क्लार्क हल के द्वारा की गई थी, एंड फर्दर डेवलप्ड, और बाद में इसे डेवलप किया गया बाय हिज कोलैबोरेटर, उन्हीं के साथ ये केनिथ स्पेंस ने किया था। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो कहीं पर भी वो ये जो दो नाम है, एक तो क्लार्क हल है, इसे पूरी तरीके से जो डेवलप किया है वो केनिथ स्पेंस ने किया है। तो ये दोनों ही नाम आप पीछे जाके देखिए, देखते हैं यहाँ पर क्या ये है। देखिए, कार्ल हल का नाम ही नहीं है और ना ही नाम दिया गया है केनिथ स्पेंस का। तो इस तरीके से वो ऑप्शन ही नहीं है जो इसने इसकी परिभाषा दी है, उसका तो नाम ही नहीं है। इट मीन्स ये क्वेश्चन भी रॉन्ग सीम हो रहा है इसका, अगर ये इस तरीके से क्लेम किया जाएगा इस पर, और इसका एक नंबर सभी को दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पीने के पानी में, ये था एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी है? 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर एंड 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1.75 मिलीग्राम। अब इसके अगर आप YouTube में, अगर आप Google में सर्च करेंगे, तो उसके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंडेड लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 mg। सो 1.5 mg दिया गया है और फ्लोराइड की, और यहाँ पर 1.5 mg है ही नहीं, तो हो सकता है कि इसका जो आंसर या तो 1 हो सकता है, लेक 1, और क्योंकि वैसे 1.5 होना चाहिए, 1.5 नहीं तो लिमिट तो फिर 1 हो जाती है। अब यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्टी छिड़ सकता है कि भाई इसमें आंसर तो ये है ही नहीं, तो हो सकता है कि इसका एक नंबर भी सभी को दे दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वह लड़की सुंदर है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अगर आपने द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया था प्राथमिक स्तर में आपके यूनिट फर्स्ट के पेपर में, तो आप वहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वह लड़की सुंदर है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण तो भाई अलग अलग प्रकार के गुणवाचक भी होता है और एक संकेतवाचक होता है। अगर यहाँ सुंदर को देखते हैं तो हमें लगता है कि गुणवाचक सही है, लेकिन इसने दोनों को एक साथ यूज कर दिया है, वह यूज करा तो संकेतवाचक हो जाता है। तो इसमें भी या तो क्वेश्चन गलत है या इसमें कॉन्ट्राडिक्टी क्लेम किया जा सकता है, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो दोनों ही आंसर सही नज़र आते हैं। और अगर हम यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, ये इंग्लिश से भले ही मैंने दे रखा है, लेकिन होता तो ग्रामर एक ही है, एक ही तरीके का होता है दोनों में लगभग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, दिस दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, यह लड़का, वह लड़का इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग है। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियस अगर देखते हैं तो ये तो गुणवाचक हो गया, विशेषण है, और दैट बॉय को देखते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। तो अब या तो इसमें दो ही संभावना बढ़ती, या तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव किया जाएगा, ये आंसर सही होगा, या इसमें क्लेम हो सकता है कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए जो मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो व्यू है इन सब क्वेश्चंस के बारे में, अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हूँ तो आप उसके साथ रीज़न भी दीजिए कि आखिर क्यों, अगर आपको लगता है कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये गलत हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।